मिर्ची बेचने जा रहे युवक को मारी गोली। उत्तर प्रदेश की इटावा जनपद के थाना बड़पुरा क्षेत्र में स्थित अजबपुर मड़ैया का रहने वाला अमन यादव सुबह 5 बजे हरी मिर्ची के पैकेट मंडी बेचने जा रहा था, तभी पुलिस को सूचना मिली कि किसी अज्ञात ने उसको गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। लड़के की हालत स्थिर बनी हुई है, उपचार चल रहा है। पुलिस को मौके से लड़के के सिर के नीचे से तमंचा, लेडी चप्पल, कान का वाला और जले हुए मोबाइल सहित सिम बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों के मुताबिक सुबह यह प्रतिदिन मंडी मिर्ची बेचने जाता था। सुबह लगभग 4 बजे मंडी के लिए निकला और 5 बजे उसके साथ यह घटना घटी। किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। लड़के का उपचार सैफई अस्पताल में चल रहा है। देखिए, आज जो है सुबह 5 बजे के लगभग एक सूचना मिली कि एक अमन यादव नाम का लड़का, जो कि मड़ैया का रहने वाला है, मड़ैया अजबपुर का, और वो जो है बाहुरी के पास उसकी मोटरसाइकिल पड़ी, उसके सर में गोली लगी। इस सूचना पे तत्काल फोर्स पहुंची है। वहां पर देखा गया कि वो मोटरसाइकिल से नीचे गिरा हुआ, सर में गोली की चोट थी, तमंचा उसके सर के नीचे था, उसकी मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल थी, वो जली हुई वहीं पास वहीं मिली। वहाँ पे एक लेडी का चप्पल एक मिला है और एक जियो की सिम नई मिली है। इस संबंध में मौके पे देखने के बाद वो मिर्ची लेकर मंडी जा रहा था। उसके जैसा परिजनों से बात हुई है तो उनका कोई रंजिश अभी बताया नहीं है। फिर भी चूँकि वहाँ लेडीज की चप्पल एक बाला मिला है, इसकी मोबाइल को जलाया गया है, वो जिला अस्पताल पहुंचा है इलाज के लिए। उसके बाद सैफई रिफर कर दिया गया है, इलाज चल रहा है। इसमें अभी तहरीर आई नहीं है, जो भी तहरीर आती है उस अनुरूप मुकदमा पंजीकृत होगा, बाकी अभी कार्रवाई की जा रही है।